हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा चैनल आरएनएफ रैली पे सीएसपी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग आरएनएफ का डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर या सुपर है तो किस तरह से आप लोग रिटेलर बनाएंगे, वो भी 5 मिनट में। आप लोग को यहाँ पे सबमिट कर देना है और करने के बाद आपको आधा घंटे के बाद मिल जाता है अगर करेक्ट डिटेल आप भरेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मन में कोई भी सवाल हो तो इसी का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको यार्ड फंड का ऑप्शन शो हो रहा है, उसके बाद हो रहा है न्यू फॉर्म V3। ये पेंसिल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और दिखाते हैं किस तरह से जल्दी आपका आईडी बनता है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फर्स्ट टाइम मांग रहा है तो आप लोगों को मोबाइल नंबर दे देना है और वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। देखिए हो रहा है, यहाँ पे पैन नंबर मांग रहा है तो जिस रिटेलर का आप लोग पैन नंबर बना रहा है इसको भी उसका पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं पैन नंबर, ठीक है, यहाँ पे उसका व्हाट्सअप में मेरे को भेजा है तो मैं इसको व्हाट्सअप से उसका डिटेल मैं देख लेता हूँ। HPJPKE यहाँ पे उसका मैं डाल देता हूँ, HP बड़ा अक्षर में देंगे पूरा HP, उसके बाद JPK, उसके बाद है 74 91 L। ये सब देखकर एक बार चेक कर लीजिएगा, उसके बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, उसका नाम आएगा उसका और राज कपूर उसका पैन नंबर आता है। उसके बाद वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है तो मैं यहाँ से, अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से करेंगे तो ये सेलेक्ट करना नहीं होगा, तो मैं यहाँ से पार्टनर आईडी से कर रहा हूँ इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। देखिए अभी बोल रहा है जो KYC मोड, आप किस तरह से इसका KYC करेंगे, आधार OTP से या बायोमेट्रिक डिवाइस से या नॉन आधार, तो हम इसका सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आधार OTP करेंगे तो वो आधार OTP का उसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, अगर उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ से बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट कर रहा हूँ और सेलेक्ट KYC मोड पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन इज डाउन राइट नाउ, प्लीज चूज आधार KYC। तो हम लोग यहाँ आधार OTP पर क्लिक कर देते हैं, उसका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार कार्ड में हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका आधार कार्ड में लिंक नहीं है मोबाइल नंबर तो आप आधार बायोमेट्रिक डिवाइस वाला क्लिक कीजिएगा और आधा घंटा एक घंटा बाद कीजिएगा तो आप लोगों का हो जाएगा। अभी इस फिलहाल डाउन है, मैं आधार OTP सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दिखा रहा है रिटेलर डिटेल सबमिट सक्सेसफुल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह का न्यू अपडेट CSC के बारे में, CSP के बारे में आप लोगों को मिलते जाएगा। और अगर आप लोग RNFI रिटेलर के लेंगे तो आप लोगों को रिटेलर आईडी बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा, नंबर शो होगा आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी मिल जाएगा, पार्टनर मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन नंबर से मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ऑल ओवर।